मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अनाहत चक्र, आज मैं बात करूंगी हमारे हृदय और हमारी संवेदनाओं से जुड़े हुए अनाहत चक्र की, हमारे शरीर के अनाहत चक्र की। देखिए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, जितने भी हमारे चक्र हैं बिल्कुल सेंटर में हमारी बॉडी के, वो इधर उधर नहीं है, हमारे हृदय से जरूर जुड़ा हुआ है चक्र, लेकिन हृदय वाली जगह पे नहीं है, एकदम सेंटर पे है। सारे ही चक्र हमारे सेंटर पे हैं, ये चीज हमें समझनी जरूर। देखिए, हमारा अनाहत चक्र पूरी तरीके से हमारी भावनाओं से, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हम अपनी अवधारणाएं जो जीवन में लेके आए हैं ना, उसको हम कैसे महसूस कर रहे, बस यही बताएगा हमारा अनाहत चक्र। हमने जीवन में अपनी एक अवधारणाएं बना ली, अपनी एक मेंटेलिटी बना ली, एक सोच बना ली, हर लेवल पे ये चीज ऐसी होगी, जैसे हमने सोच लिया अगर ये खाना बनेगा तो टेस्टी होगा, या ये पर्सन खाना बनाएगा तो टेस्टी होगा, तो इस तरीके से हम अलग अलग सोच रख लेते हैं। अब उसके हिसाब से हम महसूस भी करते हैं, अगर हमें कोई आदमी खराब लग रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं, इसके हाथ का हमें खाना नहीं खाना, वो कितना भी स्वादिष्ट बना दे, वो कितना भी अच्छा काम कर ले, हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है इसमें कोई ना कोई बुराई है, इसने कुछ ना कुछ गलत किया, उसका खाना भी हमें स्वाद नहीं लगता, वो जुड़ा है हमारे अनाहत चक्र से। ये सारी की सारी चीजें हमारे दिल से जुड़ी, जब हम दिल से किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो उसकी सारी बुराइयों को भी स्वीकार कर लेते हैं। जब हम दिल से किसी चीज को मना कर देते हैं, नहीं कह देते हैं, स्वीकार करते ही नहीं है, तो हम उस चीज को कभी भी अपना नहीं पाते। अगर आप जीवन में अपनी कई चीजों को नहीं अपना पा रहे जबकि वो चीजें इतनी खराब नहीं है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके अनाहत चक्र में नकारात्मकता है। जीवन में जो मिला है, क्या पता इतना खराब ना हो जो कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हम नहीं उसको अपना पा रहे, हम नहीं उसे समझ पा रहे, और हम क्या है हृदय से बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अनाहत चक्र में कहीं ना कहीं नकारात्मकता है। कौन सी चीज कैसी है वो डिपेंड करती है हमारी अवधारणा पे, हमने उस चीज के बारे में वो अवधारणा बना ली। अब उसके बाद जब वो चीज हमारे सामने आई तो हमने खराब ही महसूस किया। अगर कूड़े के ऊपर कोई बहुत ज्यादा परफ्यूम डाल दे, कोई भी उसके सामने से गुजरेगा तो उसे बदबू ही आएगी, वो कभी भी नहीं सोच सकता है कि वहां से खुशबू आ सकती है, उसे महसूस भी हो रही होगी तो वो उसके बाद भी एक अपने अंदर अलग ही बदबू को महसूस करेगा। ये सब चीजें हमें हमारे अनाहत चक्र से मिलती है। जीवन में जो हम अवधारणा लेकर आए हैं उनको हम कैसे महसूस करें वो यहाँ बताएगा। जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारी अवधारणा ऐसी है कि हम उसको सही तरीके से महसूस ही नहीं कर पा रहे, हम उस सुख को भोग ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारा अनाहत चक्र बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, नकारात्मकता है उसमें, और शायद वो एक्टिवेट ना हो। जो हमारे शरीर के अंग उस चक्र के आसपास है उससे जुड़े होते हैं, जैसे अनाहत चक्र से हृदय जुड़ा हुआ है, फेफड़े जुड़े हुए, अगर आपको उससे संबंधित कोई समस्या है तो इसका मतलब आपके अनाहत चक्र में नकारात्मकता है। अगर आप हील कर रहे हैं और जिसको हील कर रहे हैं उसे इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप अनाहत चक्र में कुछ ज्यादा ही हील कीजिए, क्योंकि ये उनकी समस्या वहां से जुड़ी हुई है। देखिए, सुख और दुख आदमी के महसूस करने पे होता है। एक आदमी 1000 दुखों में भी मुस्कुरा के जीता रहता है और 1000 सुख होते हुए भी दुखी होता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसकी चीज मेरे से अच्छी, वहां कहीं ना कहीं उसका अनाहत चक्र डैमेज है, कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मकता है कि वो चीजों को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा। आप कितने संवेदनशील हैं, कितने भावुक हैं, कितना आप लोगों की मदद करते हैं और कितनी आप लोगों की मदद लेते हैं, वो भी जुड़ी हुई है आपके अनाहत चक्र से। अगर आप बहुत भावुक हैं, एकदम भावुक हो जाते हैं, किसी की फटाफट हेल्प करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपका अनाहत चक्र ज्यादा ही एक्टिव है। हमें अपने आप को बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं करना कि आप अति संवेदनशील हो जाए, अगर ऐसा होगा तो मानसिक बीमारियां आती हैं। मानसिक बीमारी अगर किसी को है तो आप अगर हील कर रहे हैं तो अनाहत चक्र में ज्यादा हील करें, क्योंकि वो आदमी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा लेवल तक महसूस करता है, जो नहीं भी होती वो भी उसको बना लेता है, डेवलप कर लेता है, तो उसका जो अनाहत चक्र है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, हमेशा ही एक्टिव रहता है। जहाँ उसको भावुक नहीं होना चाहिए वहाँ भी हो जाता है, छोटी छोटी बातें उसके दिल को लग जाती है, आत्मविश्वास की कमी दे देती है। हमारा आत्मविश्वास हमारे अनाहत चक्र से ही जुड़ा हुआ है।
अगर आप अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाना चाहते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो अगर आप मूलाधार से शुरू कर रहे हैं अपने चक्रों पे ध्यान लगाना, तो अनाज चक्र पे भी उसके बाद ज्यादा लगाएं। अगर आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम भी है, तो हमारी भावनाओं से, हमारी संवेदनाओं से, हमारी संवेदनशीलता से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। कई लोग बहुत मजबूत होते हैं, छोटी छोटी चीजों से घबराते नहीं, महसूस नहीं करते परेशानियों को, कोई उनके साथ कितना भी खराब व्यवहार कर ले, लेकिन वो मजबूत रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। उन्हें लगता है ये परेशान है इसलिए ऐसे कर रहा है, मेरे साथ थोड़ी ना खराब व्यवहार कर रहा है, ये इसकी अपनी सोच है, खराब सोच है, जो कि इसका समय खराब है तो ये खराब व्यवहार कर रहा है, वो लोगों को ज्यादा समझ पाता है। ये देखिए आपकी संप्रेषण की शक्ति जो है वो यहीं से पता चलती है कि कैसी है और कितनी है। आप चीजों को कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे आप अपनी संवेदनाओं को डेवलप कर रहे हो, तो आप देखिए अनाहत चक्र हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। मानसिक रोग इससे जुड़े हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस इससे जुड़ा हुआ है, आपकी संवेदनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, आपकी विचार शक्ति क्या बनेगी, क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी विचार शक्ति बनेगी, वो भी इसी चक्र से जुड़ी हुई। उम्मीद करती हूँ काफी कुछ चीजें आपके दिमाग में सुलझ गई होंगी अनाहत चक्र को लेके। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी बातें लेकर के आऊंगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।